राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव, पुलिस को करना पड़ा हल्का बल प्रयोग। चुरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने सोमवार को राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के बैनर तले लामबंद हुए जिले भर से आए शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट के गेट संख्या 2 पर शिक्षक और पुलिस की आपस में झड़प हुई, जिसमें पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस बीच एक पुलिसकर्मी की एक शिक्षक ने लाठी भी छीन ली। बाद में एडिशनल SP राजेंद्र मीणा से वार्ता के बाद शिक्षकों को कलेक्ट्रेट में आने दिया गया। इसके बाद 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारियों ने बताया कि शिक्षकों का कार्य बच्चों को पढ़ाना और आगे बढ़ाना है, लेकिन इन्हीं शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जा रहा है, जिसका उनके द्वारा विरोध किया गया और 24 घंटे का उपवास रखकर गैर शैक्षणिक कार्यों का विरोध किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, 3rd ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण और 22 प्रिंसिपल भर्ती की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। शिक्षक संघ शेखावत ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को 20 मई तक नहीं माना गया तो 23 मई को शिक्षा निदेशालय बीकानेर में महापड़ाव डालेंगे और उसके बाद 28 मई को बीकानेर से पैदल जयपुर के लिए रवाना होंगे। 30 अप्रैल से लेकर के 24 घंटे तक का सामूहिक उपवास का कार्यक्रम था और उसके उपरांत तमाम जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 3 सूत्री मांग पत्र सौंपा जाना था। आज हजारों की संख्या में शिक्षक अपनी इस ज्वलंत मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए। लगभग 3 घंटे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर मीटिंग चली। उनमें तमाम वक्ताओं ने यही कहा कि चाहे जो भी परिस्थितियां हो, पहली हमारी मांग थी कि शिक्षक गैर शैक्षणिक काम नहीं करेगा और चुरू जिले में शिक्षक BLO काम नहीं करेगा से शुरुआत हुई है और हमने प्रशासन को भी आगाह कर दिया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, शिक्षक BLO का काम नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। इसके अलावा तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण और वाइस प्रिंसिपल में 50% सीधी भर्ती, ये 3 सूत्री मांगों को लेकर आज पूरे जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए हैं। आज थोड़ी प्रशासन पुलिस प्रशासन से झड़प भी हुई, क्योंकि हमारा निवेदन था कि हम हमारी आवाज़ को जिला कलेक्ट्रेट में पहुंचकर कलेक्टर महोदय को सुनाना चाहते हैं, तो काफ़ी देर आधे पौन घंटे तक जिद्दोजहद के बाद शायद पुलिस प्रशासन को ये समझ में आया कि ये बात ठीक कर रहे हैं और स्थितियां थोड़ी विचित्र हो भी गई थी, लेकिन आपसी समझबूझ से सामंजस्य बैठ गया और हमारा 21 सदस्य प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर महोदय से इन 3 मांगों पर बढ़िया तरीके से वार्ता करके आया है।